हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं UPDELED सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। और इस क्लास की टाइमिंग होती है वो रात के 9 बजे होती है, ठीक है। और जो आपका साइंस सब्जेक्ट होता है ये तीसरा पेपर होता है। और आज के इस वीडियो में हम लेसन 1 पृथ्वी और आकाश के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं और उसके बाद लास्ट में आप सभी को आंसर करने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं, ताकि बहुत ही अच्छे से जितने भी हम प्रश्न आज इस वीडियो में डिस्कस करें आप सभी को आसानी के साथ याद हो जाए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला जो आपका प्रश्न है कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी है। ऑप्शन जैसे है 20.46 करोड़ किलोमीटर, ऑप्शन बी है 18.25 करोड़ किलोमीटर, अगला है जो आपका थर्ड है 14.96 करोड़ किलोमीटर, और जो आपका लास्ट है वो है 10.46 करोड़ किलोमीटर। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की जो दूरी है वो है 14.96 करोड़ किलोमीटर, ठीक है। अगला जो आपका प्रश्न है कि ब्रह्मांड का प्रमुख अवयव है तारे, सौर मंडल, मंदाकिनियां, उपरोक्ष भी। तो यहाँ पे ये सभी हो जाएगा, ब्रह्मांड के प्रमुख अवयव है ये, तो तारे भी हो जाता है, सौर मंडल भी हो जाता है, मंदाकिनियां भी हो जाती है, उपरोक्ष भी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग है 1/11, ऑप्शन बी 1/10, ऑप्शन सी 1/9, ऑप्शन डी 1/8। तो यहाँ पे देखिए आप सभी का हो जाएगा कि मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी का द्रव्यमान का लगभग है 1/9। अगला जो है कि ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी है, यानी ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी है 685 प्रकाश वर्ष, 680 प्रकाश वर्ष, 675 प्रकाश वर्ष, 670 प्रकाश वर्ष। तो ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी है तो यहाँ पे हो जाएगा 680 प्रकाश वर्ष। फिफ्थ आपका प्रश्न है कि धूमकेतु का दूसरा नाम है शर्मिष्ठा, ध्रुव तारा, पुष्चल तारा, मंदाकिनी। तो धूमकेतु का दूसरा नाम है वो है पुष्चल तारा। अगला है कि गृहिकाएं सूर्य की परिक्रमा करते समय लेती है 3.25 वर्ष, 6.6 वर्ष, 3.26 वर्ष से 6.7 वर्ष, 3.27 वर्ष से 6.9 वर्ष। तो फ्रेंड्स यहाँ पे यही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 3.27 वर्ष से 6.9 वर्ष तक गृहकाय जो है सूर्य की परिक्रमा करते समय लेती हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि जीव की उत्पत्ति का कारण है सूर्य का प्रकाश, ईश्वर का वरदान, रासायनिक परिवर्तन, स्वतः जनन। तो जीव की उत्पत्ति का कारण है तो यहाँ पर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है, क्योंकि साइंस नहीं मानता है कि ईश्वर का वरदान है स्वतः जनन, ये एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है, जीव की उत्पत्ति। अगला जो आपका प्रश्न है कि 19 जून 1981 की यूरोपियन यान फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया उपग्रह था आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, एप्पल। तो फ्रेंड्स हमने बहुत ही अच्छे से आप सभी को बताया भी था कि डेट आप सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए 19 जून 1981 की यूरोपियन यान फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया उपग्रह था वो था एप्पल, ठीक है। यहाँ पे घ यानी डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्राइट्रॉन किस ग्रह का उपग्रह है, वरुण, बृहस्पति, अरुण, शनि। तो जो ट्राइट्रॉन जो है वो वरुण ग्रह का उपग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला जो आपका प्रश्न है कि चंद्रमा के आकार वाला ग्रह है बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। तो चंद्रमा के आकार वाला ग्रह है वो कौन सा है, तो यहाँ पे बुध इज द राइट आंसर। सिरदी तथा बेस्ता है धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ग्रह तारे। तो सिरदी तथा बेस्ता है वो है क्षुद्र ग्रह। 12 आपका प्रश्न है कि हमारी गैलेक्सी के अंदर केंद्र के यानी सॉरी हमारे गैलेक्सी के केंद्र से सूर्य की दूरी है 50,000 प्रकाश वर्ष, 40,000 प्रकाश वर्ष, 30,000 प्रकाश वर्ष, 20,000 प्रकाश वर्ष। तो हमारी गैलेक्सी के केंद्र के सूर्य की प्रकाश की दूरी है वो हो जाएगा 30,000 प्रकाश वर्ष। पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे जो आप सभी का हो जाएगा बहुत ही ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। जो यहाँ पे कह रहा है कि पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख यानी आपका यहाँ पे हो जाएगा शुक्र। अब देखिए फ्रेंड, शुक्र को पृथ्वी का निकटतम
मतलब कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह भी कहा जाता है, सबसे चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आपको मैं बताते चलूँ, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखिए, याद रख लीजिएगा, पृथ्वी का निकटतम जो ग्रह है वो है शुक्र, सबसे चमकीला जो है वो है शुक्र, सबसे जो गर्म ग्रह है वो कौन सा है, क्योंकि चमकता है तो गर्म तो होगा ही, तो वो है शुक्र। सांझ का तारा कौन है, शुक्र। भोर का तारा कौन है, शुक्र, ठीक है। और देखिए इसे हम पृथ्वी का भागनी ग्रह भी कहते हैं, ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। और सबसे महत्वपूर्ण कि इसके पास कोई अपना उपग्रह नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमने, क्योंकि ये शुक्र से रिलेटेड बार बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए आपका जो 14 जो प्रश्न है कि आदि वातावरण में पृथ्वी पर कौन सी गैस थी, तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन अजीब ही है, ठीक है, जिसका आंसर हाइड्रोजन। लेकिन अगर हम इस टाइम बात करें कि पृथ्वी पर आज के समय में सबसे ज़्यादा जो गैस है वो है नाइट्रोजन, ठीक है, पहले स्थान पे जो कि 78% है। उसके बाद दूसरा जो है वो आपका ऑक्सीजन आ जाता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। उसके बाद देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी वायु में, भूमि पर, समुद्र में, सूर्य में, तो जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई थी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा अमीबा, जैसे कि आप सभी को पता ही है, तो समुद्र में। अगला जो आपका प्रश्न है कि किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था, पृथ्वी को, मार्स को, नेपच्यून को, प्लेटो को, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो पृथ्वी दिया है जो कि गलत है, यहाँ पे जो प्लूटो होता है इसको हटा दिया गया था, ठीक है। अब चलिए क्वेश्चन आंसरिंग की तरफ बढ़ते हैं, तो आप सभी आंसर कीजिए, जिसमें सबसे पहला आपका प्रश्न है कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी है 20.46 करोड़ किलोमीटर, 18.25 करोड़ किलोमीटर, 14.96 करोड़ किलोमीटर और 10.46 करोड़ किलोमीटर। तो बताइए फ्रेंड पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी है कितना होगा। बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 14.96 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी है। अगला जो आपका प्रश्न है कि ब्रह्मांड का प्रमुख अवयव है तारे, सौर मंडल, मंदाकिनियां, उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड ब्रह्मांड का प्रमुख अवयव है, तो यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल सही उपयुक्त सभी, क्योंकि तारे भी होते हैं, सौरमंडल भी होते हैं, मंदाकिनियां भी होती है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला जो आपका प्रश्न है कि मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग है 1/11, 1/10, 1/9, 1/8, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा आपका कि यहाँ पे मंगल का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग है, तो कितना है, यहाँ पे हो जाएगा 1/9। अगला जो आपका प्रश्न है कि ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी है 685 प्रकाश वर्ष, 680 प्रकाश वर्ष, 675 प्रकाश वर्ष, 670 प्रकाश वर्ष, तो ध्रुव तारे की पृथ्वी से दूरी है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो जाएगा 680 प्रकाश वर्ष, ठीक है। ध्रुव तारे पृथ्वी से दूरी जो है वो है 680 प्रकाश वर्ष। फिफ्थ आपका प्रश्न है कि धूमकेतु का दूसरा नाम है शर्मिष्ठा, ध्रुव तारा, पुष्यल तारा, मंदाकिनी, तो धूमकेतु का दूसरा नाम है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा पुष्यल तारा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड धूमकेतु बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, ठीक है, धूमकेतु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए जो धूमकेतु की जो और भी कुछ विशेषताएं हैं, ये गैस एवं धूल का संग्रह होते हैं, ठीक है, जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। और फ्रेंड्स इससे रिलेटेड और भी कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स कि धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ते हैं जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य की किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती है और धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। और देखिए फ्रेंड धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है, तो इसे हम धूमकेतु या पुष्यल तारे भी कहते हैं, जो सौरमंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड में विद्यमान है, ठीक है। तो ये धूमकेतु से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है कि गृहिकाएं सूर्य की परिक्रमा करते समय लेती हैं 3.25 वर्ष, 6.6 वर्ष, 3.26 वर्ष से 6.7 वर्ष, 3.27 वर्ष से 6.9 वर्ष, ऑप्शन डी 3.28
वर्ष से 6.5 वर्ष। तो गृहकाय सूर्य की परिक्रमा करते समय कितना समय लेती है बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा 3.27 वर्ष से 6.9 वर्ष, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जीव की उत्पत्ति का कारण है सूर्य का प्रकाश, ईश्वर का वरदान, स्वतः जनन, रासायनिक परिवर्तन। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल सही, यहाँ पे हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ग। अगला जो आपका प्रश्न है कि 21 जून 1981 को यूरोपियन यान फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया उपग्रह था आर्यभट्ट, भास्कर, रोहिणी, एप्पल। बिल्कुल सही फ्रेंड्स, यहाँ पे हो जाएगा एप्पल, ठीक है। यानी 19 जून 1981 की यूरोपियन यान फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया उपग्रह था वो था एप्पल। अगला जो आपका नवा क्वेश्चन है, ट्राइटॉन किस, इसे हम ट्राइटॉन भी कहीं के लिखा होता है तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। ट्राइटॉन या ट्राइटॉन किस ग्रह का उपग्रह है, वरुण, बृहस्पति, अरुण, वरुण और शनि। और देखिए एक टाइटॉन होता है जो कि शनि का होता है, बट ट्राइटॉन जो होता है वो किसका होता है ये आप सभी बताइए। और किसको हम पीले, कौन सा ग्रह है जिसका पीला रंग होता है ये भी आपको कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना है। और किस रंग का, किस ग्रह का हरा होता है ये भी बताइए। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे हो जाएगा आप सभी का वरुण, ठीक है। ऑप्शन नंबर अ यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण, देखिए वरुण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स आप सभी को हम बता दें। जो वरुण है इसका जो, इसे हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है, इसका जो कलर होता है वो ग्रीन होता है, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स इसके जो जर्मन खगोलीय, यानी किसने इसको ढूंढा था, तो जोहान गाले ने, सिर्फ आप गाले याद कर लीजिए, इतना पूरा नाम याद करने की आवश्यकता नहीं है। गाले ने इसकी खोज की थी और जो खोज की थी वो की थी 1846 ईस्वी में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। और देखिए फ्रेंड्स यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है, जो आपका नेपच्यून है यानी जो वरुण है यह सूर्य से सबसे दूर पर स्थित होता है। और फ्रेंड्स ये जो सूर्य का जो चक्कर लगाता है, ठीक है, वो कितने दिनों में लगाता है, तो कितने घंटे में आप कह सकते हो कि जो इसका परिभ्रमण काल यानी जो अपने अक्ष पे घूमता है तो 16.1 घंटे। और जब सूर्य के चारों ये चक्कर लगाता है यानी सबसे ज़्यादा इसी का होता है 164.8 वर्ष। मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छे से आप सभी को बताया था इससे रिलेटेड। और फ्रेंड देखिए वरुण के जो उपग्रह होते हैं वो 13 होते हैं। तो फ्रेंड इतने क्वेश्चन आपके वरुण ग्रह से पूछे जा सकते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण। और देखिए इसका इसका प्रमुख जो आपका, इसे हम ट्रिटॉन भी कहते हैं या टाइट्रॉन, इस तरीके से नाम होता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ट्रिटॉन कहिए या फिर टाइट्रॉन। तो ये सबसे इसका प्रमुख उपग्रह है, इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा है। तो आई होप कि आपके इस वरुण से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स होंगे वो याद हो गए होंगे, ठीक है। सबसे पहले इसका खोज 1846, किसने खोज किया, तो गाले ने। तीसरा पॉइंट, सबसे सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है और यह सूर्य की परिक्रमा जो करता है 164.8 वर्ष, और जो इसका कलर होता है वो हरे रंग का होता है। और देखिए फ्रेंड इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन बादल छाया हुआ है, ठीक है। और इसका सबसे प्रमुख जो उपग्रह है वो ट्रिटॉन या आपका टाइट्रॉन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि चंद्रमा के आकार वाला ग्रह है बृहस्पति, मंगल, शुक्र, बुध। तो बताइए फ्रेंड चंद्रमा के आकार वाला ग्रह है कौन सा। और फ्रेंड्स ये भी बताना है कि चंद्रमा किसका उपग्रह है और किसके चक्कर लगाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, देखिए चंद्रमा से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा, चंद्रमा के आकार वाला ग्रह है वो हो जाएगा बुध। अब देखिए फ्रेंड्स इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जब, यानी सुपर मून, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, ठीक है, यहाँ प्रश्न आ सकता है कि सुपर मून
कहते हैं किसको कहते हैं, क्या इसकी परिभाषा है? तो सुपर मून यानी इसका जो परिभाषा होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को हम क्या बोलते हैं, तो सुपर मून कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला जो आपका प्रश्न है कि सिरजी तथा बेस्ता है धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, ग्रह, तारे, तो बताइए फ्रेंड्स क्या होगा। सिरजी तथा बेस्ता है, देखिए सिरजी तथा बेस्ता है वो है क्षुद्र ग्रह। अब देखिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्षुद्र ग्रह जो होता है यह मंगल एवं जो बृहस्पति ग्रह होता है उनकी कक्षाओं के बीच के कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और उसके बाद देखिए खगोल शास्त्रों के अनुसार ग्रहों का जब विस्फोट यानी जब ग्रहों का विस्फोट होता है उसके बाद टूटे टुकड़े से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। ठीक है, और क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त यानी लोनार झील महाराष्ट्र बनता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है। और देखिए फ्रेंड्स यह फोर वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट से आगे बढ़ते हैं। हमारे गैलेक्सी के केंद्र से सूर्य की दूरी है 50,000 प्रकाश वर्ष, 40,000 प्रकाश वर्ष, 30,000 प्रकाश वर्ष, 20,000 प्रकाश वर्ष। तो हमारे गैलेक्सी के केंद्र से सूर्य की दूरी है, बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए बिल्कुल सही यहाँ पे हो जाएगा 30,000 प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल, शुक्र, बृहस्पति, शनि। तो फ्रेंड देखिए पृथ्वी के शुक्र का जुड़वा ग्रह जाना जाता है वो हो जाता है शुक्र। ये देखिए ये प्रश्न हम छोड़ते हैं। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई वायु में, भूमि पर, समुद्र में, सूर्य में, या आप इसको याद भी कर लीजिएगा अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आदि वातावरण में पृथ्वी पर कौन सी गैस है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हाइड्रोजन, तो ये याद कर लीजिएगा। यहाँ पे जो आपका प्रश्न है कि जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई वायु में, भूमि पर, समुद्र में, सूर्य में, तो बताइए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड जीवन की उत्पत्ति सर्वप्रथम हुई वो हुई यहाँ समुद्र में। किस ग्रह को वर्ष 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, पृथ्वी, मार्स, नेपच्यून, प्लेटो। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लूटो। ठीक है, तो ये आपके साइंस के कुछ महत्वपूर्ण लेसन वन के क्वेश्चन है, क्योंकि लेसन का नाम ही है पृथ्वी और आकाश, तो आप सिंपल इसे आप भूगोल भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि बहुत ये महत्वपूर्ण है। और देखिए फ्रेंड्स जो आपका प्लूटो, ठीक है, इसको हम बौने ग्रह या यम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी को बहुत ही आसानी के साथ ये जितने भी आज के क्वेश्चन है याद भी हो गए होंगे, और जितने भी मैंने पॉइंट्स आप सभी को बताया ये आप बहुत ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं 10 बजे वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।